अपने चेले ओगणनाथ को आदेश कर दिया कि ओगणनाथ जाओ इन सभी के लिए भिक्षा करके इस ददरेवा नगरी में चले जाओ और भिक्षा करके लेके आओ, और भिक्षा भी धोपन छिपन और बांझ नार के हाथ से तुम्हें नहीं लानी है। आइए गुरु ओगणनाथ ददरेवा नगरी की ओर निकल लेते हैं भिक्षा मांगने के लिए। दो चार घरों में भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा मांगते मांगते नगरी में जाकर के माता बांचल के दरवाजे पे लग जगा दिया के माता भिक्षाम देही। आइए माता बांचल आकर के देखती है कि कोई साधु ढोंडी पर आया है भिक्षा मांगने के लिए। आइए गुरु ओगणनाथ भिक्षा मांग रहे हैं नगरी में, किस प्रकार से अलग जगा रहे हैं बोलिए। सच्चे दरबार की जय। आइए किस प्रकार से गुरु ओगणनाथ भिक्षा जगा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, भिक्षा मांगते मांगते किस प्रकार से बात रख रहे हैं बोलिए। सच्चे दरबार की जय। के एक योगी अलख जगावे हे माई, भिक्षा देखा के एक योगी अलख जगावे हे माई, भिक्षा देगा ले। एक योगी अलख जगावे हे माई, भिक्षा देगा ले। ओ भिक्षा दे काल रे माई, भिक्षा देगा ले। एक योगी अलख जगावे हे माई, भिक्षा देगा काले। ओ भैया हे तू दान नहीं हो रे पुतरा फलियो, राम करे थर घी के बलियो, राम करे थर घी के जलियो। अरे तू दा नहीं हो रे पुतरा फलियो, राम करे रे थर घी के बलियो, राम करे थर घी के बलियो। थारा खेड़ा हो थारा खेड़ा हो थारा खेड़ा, युग युग पसियो हे माई, भिक्षा देगा ले। एक योगी अलख जगावे हे माई, भिक्षा देगा ले। जय हो की बात कह रहे हैं कि माई की बेटी दान दिए से कभी धन नहीं घटता है। आज तुम जितना साधु संतों को दान करोगे वो परम पिता परमात्मा उससे दुगना तिगुना आपको करके देगा। कि साधु संत ऋषि मुनियों का मत करियो अपमान, और बेरा ना किस भेष में तन मिल जावे भगवान। आइए दूसरी बात के माध्यम से यूं कहने लगे गुरु ओगणनाथ। हुया रे थरा दान फलेगा, दिया हुया थरा दान फलेगा। ये भला थारा रे भगवान करेगा, भला थारा भगवान करेगा। अरे भला थारा रे भगवान करेगा, भला थारा रे भगवान करेगा। थारा पुण्यवा
ओ थारा कुनेवा, ओ थारा कुनेवा, युगे युगे बसियो हे माई बिक जाते गा एक योगी अलग जगावे माई बिक जाते गा काले ओ छोरे को ना घटता दान करे से तने को ना घटता ये लिखा कर्म का को ना टलता कर्म का को ना घटता अरे लिखा कर्म का को ना टलता क्या कर्म का को ना टलता थारे पीतर हो थारे पीतर हो थारे पीतर युगे युगे बसियो हे माई बिक जाते गा एक योगी अलग जगावे माई एक जाते आइए गुरु ओगणनाथ भिक्षा मांग रहे थे माता बांचल भिक्षा लेकर के आ गई के ओगणनाथ हे गुरु महाराज भिक्षा तो मैं तुझे इतनी दे दूंगी कि तू जीवन भर खाएगा मगर मेरी तुमसे एक इच्छा है मेरी कोख बाज है मेरे कोई संतान नहीं है मेरे बाबा तू मुझे एक संतान के सुख का वरदान दे के चला जा यूं कहने लगे ओगणनाथ के माना बेटी मैं साधु हूं संत हूं फकीर हूं मगर कोई भगवान नहीं जो मैं तुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति करा दूं मगर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज तुम्हारे बागों में मेरे गुरु महाराज गुरु गोरखनाथ ने डेरा लगाया है वे आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं आइए वो माता वाचल गुरु ओगणनाथ से किस प्रकार से पुत्र रत्न मांग रही है और क्या कह रही है मारे कुल की ओ मारे कुल की ओ मारे कुल की बेल चला दे हो बाबा मानो ऐसा मारे कुल की बेल चला दे हो बाबा मानो ऐसा ओ मानो ऐसान रे बाबा मानो ऐसा मारे कुल की बेल चला दे हो बाबा मानो ऐसा मारे कुल की बेल चला दे हो बाबा मानो ऐसा ऐसा दे जगत के दाता दयाल जगत के दाता दीन दयाल जगत के दाता दयाल जगत के दाता हे पंजा मेरा भाग्यवी दाता हे पंजा मेरा भाग्यवी दाता अरे पंजा मेरा भाग्यवी दाता हे पंजा मेरा भाग्यवी दाता मेरा रोसा ओ मेरा रूसा ओ मेरा रूसा राम मना दे हो बाबा मानो ऐसा मारे कुल की मेल जला दे हो बाबा मानो ऐसा ऐसा ने
की सा घर वासा, बिनियो नाद के सा घर वासा, गति टूट नहीं मेरी आसा, 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 नारायु जेडा ओ बारायु जेडा, ओ बारायु जेडा पाग खिला दे हो पापा मानू ऐसा, हमारे कुल की मेल जला दे हो पापा मानू ऐसा, ओ मानू ऐसा रे पापा मानू ऐसा, हमारे कुल की मेल जला दे हो पापा मानू ऐसा, ओ मारे कुल की मेल जला दे हो पापा मानू ऐसा, हमारे कुल की मेल जला दे हो पापा मानू ऐसा। क्या दो सच्चे दरबार की बोली गुरु।